आसंता 15 तारीख रु जातीय जल क्रीडा केन्द्र रे अनुष्ठित हेबो 38तम जूनियर रोइंग चैंपियनशिप एथरे 20 टी राज्य रो 300 रु अधिक प्रतियोगी अंश ग्रहण करिवे ओ बालिका ओ बालकंक मधरे प्रतियोगिता हेबो एति पई युद्धकालीन भितरे प्रस्तुति चली छे चैंपियनशिप रे ओडिया खिलाड़ी माने भला प्रदर्शन करी मेडल हासिल करिया पई प्रस्तुति को जोरदार करछंती संपर्क रे अधिक कथा बापे हम सिद्धासळक जिबा जगतपुर जल क्रीडा केन्द्र सेठी अछन्ते हम प्रतिनिधि नवेश महांती नवेश 15 तारीख रो आरंभ होची चैंपियनशिप त किभळी रहिची प्रस्तुति वर्तमान सुधा जोरदार प्रस्तुति शक्तिशाली चली एवं प्रस्तुति कथा जदि कहबा चूड़ांत पर्यायर पहुंची जाइए तेबे जमी एक उन्नत मानर एवं आंतर्जातिक स्तर टूर्नामेंट बा चैंपियनशिप हो पार से लगी साई पक्षर व्यापक बंदोबस्त करम सहित अच्छा जातीय रोइंग दल मुख्य कोच तथा द्रोणाचार्य आवारी द्रोणाचार्य आवार्डर पाई कोच इस्माइल बेग पचार बुझा सार आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ टाइम देने के लिए सर अभी दो दिन रहा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देख रहे हैं और कितना तैयार हो चुका है हमको रोइंग फेडरेशन तरफ से यहाँ पे भेजा गया कि यहाँ पे स्टेट एसोसिएशन की मदद करे हम टेक्निकली जो भी देखभाल यहाँ पे कर रहे हैं अभी हमने तीन दिन हो चुका है यहाँ के 80% वर्कर्स कम्प्लीटेड है अभी कल टीम पहुँचने वाला है उम्मीद कर रहे हैं शाम तक हमें पूरी तरह तैयारी करके कल से प्रैक्टिस देने के लिए मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूं सर यहाँ का जो माहौल है हम तो देख रहे हैं बहुत लंबे अरसे से यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है और उड़ीसा के बच्चे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन उनसे सा क्या है मैं पिछले 15 साल से ऊपर से मैं नेशनल टीम के साथ हूँ और साथ साथ मैं उड़ीसा टीम को भी नज़दीक से देख रहा हूँ पिछले टाइम से उड़ीसा में अगर 70-80% गर्ल्स हम उड़ीसा दे रहे हैं इस साई सेंटर से दे रहे हैं और उनके कोचेस को पीछे ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारा ये इकलौता ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है 2010 में हमने लिया था प्रतिमा और प्रमीला ने वो इसी सेंटर से है और कई प्लेयर्स इसी ने प्लेयर्स करना लिस्ट लेगा तो बहुत लंबा लिस्ट है बहुत खुशी की बात यहाँ पे से जो जिस तरह से यहाँ से प्लेयर्स यहाँ से आ रहे आगे चल के उम्मीद करके और बेहतर प्लेयर्स यहाँ से निकले और देश के लिए बहुत ज्यादा मेडल जीता जाए सर इस टूर्नामेंट से क्या क्या उम्मीदें हैं और इस टूर्नामेंट से अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो आगे का उसका कैरियर कैसा होगा स्पेशली हमने इस टूर्नामेंट में हमारा काम है कि नया टैलेंट को सर्च करें और उसको आने वाला नेशनल्स के हमने इसको ज्वाइन करके और आगे की तैयारी करें भी अगले साल हमारा एशियन गेम्स आ रहा है साथ साथ आने वाला वुमेन्स टीम पे भी ज़्यादा ध्यान रख रहा है फेडरेशन ताकि एक नए कोच भी आने वाले हमारे इंडिया के लिए और सब मिल के हमने वुमेन्स रोइंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखे साथ साथ मेन्स टीम भी हमने सेलेक्शन करे बेस्ट को और आगे चल के बेहतर टीम तैयार करे देश के लिए सर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और आगे अगर ये सेंटर को डेवलप होना है तो क्या क्या चाहिए सरकार की तरफ से आपको इस गेम के लिए खास करके बहुत एक्सपेंसिव गेम है प्राइवेट बॉडीज करना इतना पॉसिबल नहीं है सरकार से हमें काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा सपोर्ट करें साथ साथ कोई प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी है इस गेम को सपोर्ट करें ताकि इस गेम को हम आगे ले जाने में काफ़ी सुविधा हो सके सर जो यहाँ बच्चे बोल रहे थे बोर्ड्स पुराने हैं नए बोर्ड्स तो आए हैं झारखंड से तो ये बोर्ड्स वहाँ चले जाएंगे यहाँ परमानेंटली अच्छी क्वालिटी का बोर्ड मिल नहीं रहा है उसके लिए सर क्या प्रबंध किया जा रहा है इसके लिए बताता हूँ सरकार उसको हमने स्टेप लेना चाहिए कम से कम चार से छह सेट बोर्ड्स एक सेट में हमारे चार बोर्ड्स होते हैं इसके अलावा एट्स है क्वाड्स है वो भी बोर्ड्स होना चाहिए एर्गोमीटर्स है अच्छा जिम होना चाहिए अगर अच्छा फैसिलिटी है तो अच्छा टैलेंट निकलने में आसान रहता है इसको सरकार कुछ प्राइवेट भी लोग आके स्पॉन्सर करे सपोर्ट करे इस गेम को और करने से गेम हम आगे बढ़ा सकते बहुत बहुत धन्यवाद सुनते शक्ति सही द्रोणाचार्य अवार्ड रे पुरस्कृत होता अलंकृत होता जातीय रोइंग कोच इस्माइल सार जिम सूचना दौले आहरी आवश्यकता रही है अनेक जिनसर और जदि से मिल जाए तेज जगतपुर ये जल क्रीड़ा केन्द्र आम कहीपर विदेश आहरी बेस भल ना करूँ पाने जा तेज जो टूर्नामेंट बा चैंपियनशिप अनुषित हे ता 15 तारीख आरंभ हो 18 शेष हे और पाखापाखी 300 प्रतिजोगी भाग नेबार कार्यक्रम रही